के टाइम में ध्रुव राठी अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंडिंग सेक्शन पे चल रहे हैं, जिसका मेन रीजन है उनके यूट्यूब वीडियोस में लगाए गए प्रोफेशनल एंड अट्रैक्टिव थंबनेल। तो आज किस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला ट्रेंडिंग इन्फ्लुएंसर की ट्रेंडिंग जादू, सॉरी ट्रेंडिंग थंबनेल बनाना। तो सबसे पहले आपको पिक्सार्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। अगर आपके पास पिक्सार्ट एप्लीकेशन नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। तो पिक्सार्ट को ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आता है, एंड यहाँ से नीचे प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके एडिट ए फोटो पे क्लिक करना है। एंड यहाँ से आपको बैकग्राउंड का एक आइकन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करके ब्लैक सेलेक्ट कर लेना है ऊपर से। एंड यहाँ से टूल्स वाला आइकन पे क्लिक करके क्रॉप पे क्लिक करना है, यहाँ से 16:9 रेशियो सेलेक्ट करके यहाँ से डन कर देना है। और यहाँ से नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल लेफ्ट करेंगे तो यहाँ पर स्टिकर्स का आइकन दिखेगा, यहाँ पर एक डिस्कवर का आइकन है, यहाँ पर क्लिक करके और सर्च करना है रेड लाइन स्ट्रक्चर। और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ से एक आइकन दिख रहा है, यहाँ से आपको क्लिक करना है और यहाँ से थोड़ा सा रोटेट करना है और बीच में एंगल में लगा देना है। एंड फिर से यहाँ पर नीचे आना है और स्क्रॉल लेफ्ट करना है और यहाँ से एड फोटो पे क्लिक करके गैलरी में सीधा चले जाना है और यहाँ से एक PNG को सिलेक्ट कर लेना है। और इन सभी फोटो और PNG का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और इस रेड PNG को ऐड करने के बाद थोड़ा सा बड़ा करेंगे और यहाँ पर एक नीचे क्रॉप का आइकन दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। और रोटेट के आइकन पर क्लिक करके वर्टिकल वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर से डन करेंगे और डन करने के बाद कुछ इस प्रकार से ऐड यहाँ पर साइड में लगा देंगे। और फिर से नीचे यहाँ पर स्टिकर्स वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिस्कवर पे क्लिक करेंगे और सर्च करेंगे यहाँ पर रेड लाइट। और यहाँ से कुछ इस प्रकार से सर्च करने के बाद सेकंड वाले PNG को ऐड करेंगे और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से एडजस्टमेंट कर लेंगे बड़ा करके। और यहाँ ऊपर वाला आइकन पे क्लिक करके मोप डाउन पे क्लिक करना है एंड यहाँ से स्ट्रक्चर को थोड़ा ऊपर कर लेंगे। और इतना करने के बाद रेड लाइट की ओपासिटी को थोड़ा डाउन करेंगे और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से एडजस्टमेंट कर देंगे। और इतना सब कुछ करने के बाद फिर से स्टिकर्स वाला आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिर से सर्च बार में सर्च करेंगे जेल PNG और यहाँ पर जो सेकेंड वाली PNG है उसे सेलेक्ट कर लेंगे। देन इसे ऐड करने के बाद इसकी साइज थोड़ा इंक्रीज करेंगे और यहाँ से इसकी ओपासिटी को थोड़ा कम करेंगे और कम करने के बाद इसे कुछ इस प्रकार से एडजस्टमेंट यहाँ पर कर देंगे। और हम बनाने वाले हैं ध्रुव राठी का थंबनेल, तो उनके फोटो को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ऐड करने के बाद कुछ इस प्रकार से इसे क्रॉप करेंगे और क्रॉप करने के बाद थोड़ा सा अब डन करेंगे। अब डन करने के बाद यहाँ पर रिमूव इमेज का आइकन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और फोटो ऑटोमेटिक यहाँ पर से बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा और कुछ इस प्रकार से यहाँ पर एडजस्टमेंट कर लेंगे। और इतना करने के बाद फिर से ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे और जिन जिन लोगों का फोटो हमें चाहिए उन्हें सेलेक्ट करके मैं पहले से रखा हूँ, तो उन लोगों का सबसे पहले मैं फोटो ले लेता हूँ और इन सभी फोटो का बारी बारी से बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। और फिर से अरविंद केजरीवाल के फोटो को टैप करेंगे एंड यहाँ से नीचे एक एडजस्ट का आइकन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करके सेचुरेशन को -100 कर लेंगे। एंड इसके बाद ऊपर वाले आइकन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से मोप डाउन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से थोड़ा जेल के अंदर वाली PNG में ये फोटो जाकर सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद राहुल गांधी वाले फोटो पर टैप करेंगे और यहाँ से थोड़ा बीच में लेकर आएंगे और थोड़ा बड़ा करेंगे। और इतना करने के बाद नीचे फिर से एडजस्ट वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और इसकी भी सेचुरेशन -100 कर लेंगे। और फिर से स्टिकर्स वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ से अब सर्च बार में सर्च करना है येलो पेपर कट और इस PNG को कुछ इस प्रकार से सिलेक्ट करके राहुल गांधी एंड अरविंद केजरीवाल के फेस पर कुछ इस प्रकार से ऐड कर देंगे और बाएगा डरा हुआ डिक्टेटर का चेहरा यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का फेस। और फिर से स्टिकर्स वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सर्च करेंगे रेड लाइट। अब यहाँ से सेकेंड वाले रेड PNG को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से थोड़ा प्राइम मिनिस्टर के फेस को थोड़ा जूम करेंगे और जूम करने के बाद उनके आंखों के बीचों बीच एकदम इस PNG को सेट करेंगे। अब यहाँ से ऊपर एक आइकन दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ से डुप्लीकेट कर लेना है, ठीक है। और इसे दूसरी वाली आंख के बीचों बीच यहाँ पर कुछ इस प्रकार से एडजस्टमेंट कर लेना है। अब नीचे टेक्स्ट वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से टाइप करेंगे डरा हुआ। अब इतना करने के बाद ऊपर के साइड में ले जाएंगे टेक्स्ट को और कुछ इस प्रकार से ऐड कर लेंगे। और इतना करने के बाद आप कलर वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से थोड़ा कलर को चूज करते हैं, हमें येलो कलर चाहिए, डार्क येलो, तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए। और इतना करने के बाद एक हाईलाइट का आइकन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करके एडजस्टमेंट यहाँ पर कर लेना। अब यहाँ फिर से स्टिकर्स वाले आइकन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से सर्च करेंगे येलो पेपर कट और फिर से इसी वाले PNG को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से नीचे थोड़ा एक
एडजस्टमेंट का आइकन दिख रहा है, यहाँ से आपको क्लिक करना है और यहाँ से हु वाला ऑप्शन पे क्लिक करके और इसके अमाउंट को -49 पर सिलेक्ट कर लेते हैं। अब बारी है इसे थोड़ा बड़ा करने की और बड़ा करके कुछ इस प्रकार से एडजस्टमेंट करेंगे अपने थंबनेल के अकॉर्डिंग। अब इस पीएनजी को कुछ इस प्रकार से एडजस्टमेंट करने के बाद ये प्राइम मिनिस्टर के सर पे आ रही है, तो इसे नीचे करने के लिए एक आइकन ऊपर दिख रहा है, इस पे क्लिक करके मूव डाउन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसे तब तक टैप करना है जब तक ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के इमेज के नीचे सेट न हो जाए। अब यहाँ नीचे फिर से टेक्स्ट वाले आइकन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर अब टाइप करेंगे डिक्टेटर। अब इतना करने के बाद इस टेक्स्ट को कुछ इस प्रकार से पीएनजी के ऊपर सेट करना है। अब ये रहा हमारा फाइनल ट्रेंडिंग थंबनेल डिजाइनिंग तैयार। अब इसे फुल एचडी में सेव करने के लिए सबसे पहले आपको ऊपर वाले आइकन पे क्लिक करना और यहाँ से सेव टू जेपीजी पे क्लिक करना और ये थंबनेल आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका फाइनल लुक। वैसे इतनी बारीकी से समझाने के बाद जिसे समझ में नहीं आया वो यूट्यूब छोड़ सकते हैं। बाकी सभी क्रिएटरों की तरह मैं नहीं बोलने वाला हूँ कि इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाकर प्यारा सा कमेंट कीजिए, क्योंकि ये सब करने से आपका कोई फायदा होने वाला है नहीं। और कमेंट में फेंको कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आऊँ।